आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख करेंगे। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर बनासकांठा पहुंचे पीएम मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी गुजरात को करोड़ों की सौगात देंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में रोड शो किया, जिसमें बीजेपी के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी ने बनासकांठा के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। थोड़ी देर में पीएम मोदी मेहसाणा जिले के खेरालू शहर के पास जनसभा को संबोधित करेंगे और यहीं से वो कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा कल वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्मारक स्टैचू ऑफ यूनिटी पर जाएंगे, जहां वो वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हो रहे राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री केवड़िया में 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का अवलोकन भी करेंगे, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और राज्य पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां शामिल होंगी। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी, उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कायर आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर पर ये आतंकी हमला श्रीनगर के ईदगाह मैदान में उस वक्त हुआ जब वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान एक आतंकी मैदान में इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के पास पहुंचा और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के दौरान इंस्पेक्टर की आंख, पेट और हाथ में गोलियां लगी हैं। मसरूर अहमद वानी अभी आईसीयू में भर्ती हैं। आतंकी के फायरिंग करने के बाद इंस्पेक्टर वानी के साथियों ने आतंकी का पीछा किया, लेकिन वो हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गया। इस हमले के बाद से इलाके में पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। लश्करे तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में इंस्पेक्टर वानी को पिस्टल से गोली मारने की बात सामने आ रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमला करने वाले आतंकी की तलाश तेज कर दी है। और केरल ब्लास्ट में सरेंडर करने वाले आरोपी का दुबई कनेक्शन सामने आया है। कोच्ची का रहने वाला आरोपी डोमिनिक 15 साल तक दुबई में नौकरी भी कर चुका है। केरल में हुए 3 बम धमाकों में सुबह जो पुलिस सिर्फ जांच की बात कर रही थी, उसे शाम होते होते इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाला भी मिल गया। जी न्यूज के पास उस शख्स का वीडियो है जिसने सोशल मीडिया के जरिए इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बम विस्फोट की जिम्मेदारी लेते हुए कोची के रहने वाले डोमिनिक मार्टिन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने दावा किया है कि उसने बम लगाया था। वहीं केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक का दुबई कनेक्शन सामने आया है। जांच में पता चला है कि वो 2 महीने पहले ही दुबई से भारत आया था। डोमिनिक दुबई में करीब 15 साल रहा है। वो भारत आकर ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। डोमिनिक के 2 बच्चे हैं जो विदेश में हैं। डोमिनिक किस किस के संपर्क में था, इस बात की जांच अभी हो रही है। तो केरल में हुए 3 बम धमाकों के बाद राज्य में अब सियासी पारा भी खूब इस वक्त चढ़ा हुआ है। केरल में हुए ब्लास्ट को लेकर बीजेपी ने केरल सरकार और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। रविवार को हुए 3 धमाकों ने केरल के राजनीतिक गलियारों की हलचल को भी बढ़ा दिया है। बीजेपी ने धमाकों को लेकर केरल सरकार और कांग्रेस दोनों को घेरा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि केरल में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता आतंकी संगठन हमास का समर्थन कर रहे थे और केरल सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस धमाके के बाद सीएम विजयन की आलोचना भी हो रही है। दरअसल जिस समय ब्लास्ट हुआ, सीएम विजयन दिल्ली के दौरे पर थे और इसराइल विरोधी रैली में शामिल हुए थे। वहाँ की सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, जिस प्रकार वहाँ पर कल हमास के नेता को छूट दी, वह वर्चुअल रैली के थ्रू वहाँ पर भाषण दे आया, तो ये भी समाज में एक कष्ट खड़ा करता है। तो अपेक्षा करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री इसकी भी चिंता करेंगे। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम में एनडीए प्रोटेस्ट रैली की शुरुआत करेंगे। इस सियासी हलचल के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।
आंध्र प्रदेश में दो ट्रेनों के बीच हुई भीषण टक्कर में 13 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक यह हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ है। डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेन आपस में टकरा गईं। दोनों ट्रेनों की टक्कर में 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा विजयनगरम जिले में अलमांडा कंकटपल्ली के बीच हुआ। रेलवे के मुताबिक ये हादसा मानवीय भूल के चलते हुआ। पीछे से आ रही विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने सिग्नल को ओवरशूट किया जिससे टक्कर हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को रेस्क्यू करके विशाखापट्टनम और विजयनगरम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। There are people who were trapped in these coaches. We have our own medical team who have done rescue efforts. We have also compressed into service NDRF and the state DRF. पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राहत कार्य के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ईडी के सामने आज पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी ने एफईएमए के मामले में वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ने इसी साल 29 अगस्त से 31 सितंबर तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में छापेमारी की थी। ये छापेमारी फेमा एक्ट के तहत की गई थी। कुछ महीने पहले ही ईडी की टीम ने ट्राइटन होटल्स नाम के मुंबई स्थित फर्म के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद ईडी ने 1.27 करोड़ रुपए की आय के ज्ञात स्रोत से अधिक नकदी जब्त की थी। बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत के साथ रतनकांत शर्मा के संबंध ईडी की जांच के दायरे में है। वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं वैभव गहलोत ने ईडी के दावों का खंडन किया। पिछले हफ्ते कहा था कि 12 साल पुराना ये आरोप है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था जिस पर आज फैसला सुना दिया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर रखा है। वो फरवरी से जेल में बंद है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ करप्शन का कोई मामला नहीं बनता, सीबीआई के आरोप में अपराध का कोई संकेत नहीं है और करप्शन का कोई आरोप पुख्ता नहीं है। इस तरह देखा जाए तो ईडी का भी कोई मामला नहीं बनता। सीबीआई ने आबकारी नीति घोटाले में कथित भूमिका को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वो उस समय से हिरासत में है। अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज के बाद सिसोदिया फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जीनी।